भाई Realme अपने पुराने अंदाज में वापिस आ गया है। फाइनली Realme 13 Pro Plus को Realme ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस फोन की वीडियोस मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर दे रखी हैं। अगर आपको Realme 13 Pro Plus के बारे में कुछ भी जानना है तो उन वीडियोस को आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। बाकी इसका छोटा भाई Realme 12 Pro Plus ये भी आज हमारे पास है। आज की वीडियो में इन दोनों फोन का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और साइड बाय साइड स्पीड टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे इन दोनों फोन में से किस फोन की स्पीड जो है वो ज्यादा है। अभी के टाइम पर Realme 12 Pro Plus के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्या अभी आप लोगों को Realme 12 Pro Plus डिस्काउंट में बाई कर लेना चाहिए या Realme 13 Pro ही आपको बाई करना चाहिए? जो भी आपके डाउट्स हैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। बट उससे पहले जरा आप सब्सक्राइब तो करो और अपना हाथ लाइक के बटन के ऊपर मारो। सबसे पहले बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो देखो दोनों फोन के मेरे पास जो वेरियंट है वीगर लेदर वाले हैं। प्लास्टिक बैग का वेरियंट भी आपको दोनों फोन का मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब जब दोनों फोन को मैंने टेस्ट किया इन हैंड फील में मुझे जो है दोनों फोन का सेम फील आया। कोई ऐसा नहीं था भाई एक फोन अलग हो दूसरा फोन अलग हो, सेम फील आपको दोनों फोन का देखने को मिलेगा। लेकिन लुक वाइज डिफरेंस है। लुक वाइज जब मैंने दोनों फोन को टेस्ट किया तो Realme 12 Pro Plus मुझे बेटर लगा Realme 13 Pro Plus के मुकाबले, क्योंकि Realme 13 Pro Plus का जो डिजाइन है बिल्कुल क्लीन है और Realme 12 Pro Plus के डिजाइन में बीच में आप लोगों को लाइन देखने को मिलती है और ये लाइन गोल्डन कलर के अंदर है जिससे फोन देखने में काफी बढ़िया लगता है। बाकी साइड की फ्रेम दोनों फोन की आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी और साइड की फ्रेम और कैमरा मॉड्यूल दोनों फोन के गोल्डन कलर के अंदर है जिससे फोन दोनों में लुक वाइज देखने में बढ़िया लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों फोन को इनको कंपेयर करें लुक वाइज फोन की बात करें तो मुझे Realme 12 Pro Plus बढ़िया लगा। बाकी दोनों फोन में जो बिल्ड है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी जो मटेरियल फोन को बनाने में अच्छी क्वालिटी का यूज किया, कोई भी चीप मटेरियल नहीं है, ना ही फोन कहीं से दबता है, कोई भी हिंजी जो है दोनों फोन के आप अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में मुझे यहाँ पर दोनों फोन बढ़िया लगे, लेकिन लुक वाइज जो है वो Realme 12 Pro Plus बेटर लगा Realme 13 Pro Plus के मुकाबले। बाकी वेट बैलेंस भी दोनों फोन का अच्छे से Realme ने मैनेज किया है और दोनों फोन का जो वेट है वो आपको 188 ग्राम देखने को मिलता है। दोनों फोन में ड्यूल स्पीकर है भाई, क्वालिटी आप लोगों को सिमिलर दोनों की देखने को मिलेगी, जबकि Realme 12 Pro Plus में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर आप लोग हेडफोन यूज करते हो तो उन्हीं के अंदर वो काम करेगा। बाकी वो हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं भाई, मक्खन की तरह जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो आपको देखने को मिलेगा, हैप्टिक वगैरह बढ़िया दोनों फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों फोन में आप लोगों को ड्यूल सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हो तो दोनों फोन में आप लोग मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। अगली चीज जो दोनों फोन की सबसे पार है वो रही दोनों फोन की डिस्प्ले। अब देखो दोनों फोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। अच्छी बात है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। Realme 13 Pro Plus में आपको Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि Realme 12 Pro Plus में आपको Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी कंटेंट वाइज दोनों फोन की डिस्प्ले भाई सुपर्ब है, बढ़िया काम करती है, कलर्स वगैरह बढ़िया देखने को मिलते हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तो डीप ब्लैक कलर्स देखने को मिलेंगे। YouTube के ऊपर 4K में कंटेंट तो देख सकते हो, लेकिन HDR का सपोर्ट दोनों फोन में नहीं है। वाइड 1/1 का सपोर्ट है। Amazon Netflix के ऊपर कंटेंट आप लोग फुल HD में दोनों फोन में स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले के चिन और बैरल जब दोनों फोन को टेस्ट किया तो भाई सिमिलर डिस्प्ले आप लोगों को Realme 12 Pro Plus और Realme 13 Pro Plus दोनों की देखने को मिलते हैं। चिन और बैरल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्पीड आपके सामने है, बढ़िया काम करता है दोनों फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और कोई आपको मिस्टर का जो इशू है दोनों फोन में देखने को नहीं मिलेगा। और जब मैंने दोनों फोन में कंटेंट कंज्यूम किया Amazon Prime के ऊपर, YouTube के ऊपर, Netflix के ऊपर, बढ़िया कलर्स वगैरह आते हैं, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ दोनों फोन में बढ़िया एडजस्ट है। Realme 12 Pro Plus की जो ब्राइटनेस है वो आप लोगों को 950 nits देखने को मिलती है, जबकि Realme 13 Pro Plus की जो ब्राइटनेस है वो आप लोगों को 2000 nits देखने को मिलती है। इनडोर आउटडोर में टेस्ट किया तो दोनों फोन की डिस्प्ले ब्राइट है, बढ़िया काम करती है, लेकिन हाँ Realme 13 Pro Plus की जो डिस्प्ले है वो थोड़ी ज्यादा ब्राइट है आउटडोर के अंदर, तो आउटडोर में आप लोगों को बढ़िया मजा आएगा Realme 13 Pro Plus में। बाकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो है मुझे दोनों फोन का सिमिलर लगा। अब कैमरा की बात करें तो यहाँ पर Realme ने भाई सरप्राइज कर दिया है। दोनों ही फोन के अंदर ऑन पेपर जो कैमरा स्पेक्स हैं बढ़िया देखने को मिलते हैं। Realme 12 Pro Plus में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा जो भाई पोर्ट्रेट शॉट के तगड़े लेता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं Realme 13 Pro Plus में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी के सेंसर के साथ, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सोनी के LYT सेंसर के साथ, वहीं आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। बाकी दोनों ही फोन में फ्रंट में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है वो मिलती है। दोनों फोन के कैमरा को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट किया तो भाई रिजल्ट क्या शॉकिंग थे, क्या तगड़े तगड़े शॉट दोनों फोन क्लिक करते हैं। पोर्ट्रेट शॉट तो भाई क्या तगड़े दोनों फोन क्लिक कर रहते हैं, पेरिस्कोप कैमरा दोनों फोन का काफी तगड़ा है। Realme 12 Pro Plus में आप लोग 3x तक जो है वो पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर सकते हो, लेकिन भाई Realme 13 Pro Plus में आप लोग
4K एक्स तक जो है जूम करके पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर पाओगे, कोई आप लोगों की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। बाकी दोनों फोन में आप लोग बैक कैमरा से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात तो है Realme 13 Pro Plus में आप लोग फ्रंट कैमरा से भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी वीडियो क्वालिटी भी आप लोगों को दोनों फोन की काफी तगड़ी देखने को मिलती है। ये रहे कुछ कैमरा सैंपल Realme 12 Pro Plus के और Realme 13 Pro Plus के। कैमरा वाइज देखो क्वालिटी आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलती है, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, लेकिन हाँ Realme 12 Pro Plus के जो कलर्स हैं अपडेट आने के बाद थोड़े से डल मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो टोन है वो येलो हो चुकी है जाकर के। Realme को Realme 12 Pro Plus में कैमरा में अब थोड़ी सी जो बढ़िया अपडेट है वो देने की जरूरत है, लेकिन ऑन पेपर भाई Realme 13 Pro Plus की जो कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है। आउट ऑफ द बॉक्स में दो अपडेट भी आ गए थे, अपडेट आने के बाद भी जो कैमरा क्वालिटी भाई काफी तगड़ी हो चुकी है और भी एनहांस हो चुकी है। कैमरा यूआई के अंदर भी बहुत सारे फीचर आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाते हैं, तो नो डाउट कैमरा दोनों फोन का बढ़िया। लेकिन हाँ अगर आप लोग थोड़े से पैसा ज्यादा लगा देते हो तो आप लोगों को जो कैमरा के अंदर फीचर्स वगैरह हैं एआई के वो भी देखने को मिल जाएंगे, और 4K में भी आप लोग फ्रंट कैमरा जो वीडियो है वो Realme 13 Pro Plus के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी के टाइम पर अगर आप लोगों को कैमरा के लिए कोई फोन लेना है, अगर आपका बजट कम है तो आप लोग Realme 12 Pro Plus ले सकते हो, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपका बजट है Realme 13 Pro Plus का, आपको एआई फीचर्स भी चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली Realme 13 Pro Plus को बाय करो। बाकी फ्रंट कैमरा दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का है जो बढ़िया परफॉर्म करता है। ये रहे कुछ कैमरा सैंपल, ये भी लो लाइट कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं, कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं। लेकिन हाँ मैं यही बोलूंगा, देखो दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन क्वालिटी अभी के टाइम पर आपको Realme 13 Pro Plus की ही बेटर देखने को मिलती है। बाकी कैमरा वाइज भाई दोनों फोन मुझे काफी तगड़े लगे। Realme 13 Pro Plus में 5200 mAh की बैटरी है और Realme 12 Pro Plus में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जबकि Realme 13 Pro Plus में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बाकी देखो दोनों फोन को पूरा फुल चार्ज होने में आपका 1 घंटा लग जाएगा, और वो डिपेंड करता है आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर, गर्मी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठंड के अंदर थोड़ा कम टाइम लगता है, आपके रूम का जो टेम्परेचर एनवायरमेंट है उसके हिसाब से टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो बैटरी बैकअप है दोनों फोन में आप लोगों को आराम से 1 दिन का देखने को मिल जाएगा। Realme 12 Pro Plus में 11 5G के बैंड है, Realme 13 Pro Plus में 13 5G के बैंड है। दोनों को मैंने स्पीड टेस्ट किया, अच्छी स्पीड दोनों की 5G की आ जाती है, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ जो स्पीड है मुझे Realme 13 Pro Plus की ज्यादा फास्ट मिली Realme 12 Pro Plus के मुकाबले, रिजल्ट्स आपके सामने। अब कुछ बंदे यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि गेमिंग के लिए भाई Realme 12 Pro Plus लिया जाए या Realme 13 Pro Plus। देखो दोनों फोन में आपको Snapdragon 7S Gen 2 का 5G प्रोसेसर मिलता है, दोनों फोन के जो अंतर स्कोर है वो आप लोगों को 6 लाख से ऊपर और 6.5 लाख से ऊपर देखने को मिलते हैं रैम वेरिएंट के हिसाब से। LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, तो नो डाउट रीड और रेड स्पीड आपको दोनों फोन में बढ़िया देखने को मिलेगी। दोनों फोन में आप लोगों को Realme UI 5.0 देखने को मिलता है, मक्खन की तरह स्मूथ काम करता है। बूटवेयर आप लोगों को आउट ऑफ द कुछ ऐप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सबको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और जो भी ऐप्स हैं काम की हैं अगर आपके काम की नहीं है तो आप लोग उनको अनइंस्टॉल कर दो, वैसे कोई अनवांटेड बूटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता। और जो अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह जो पहले आती थी अब Realme ने सारी की सारी बंद कर रखी है, तो UI के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, UI बढ़िया काम करता है, और 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है पूरे UI के अंदर Realme ने अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया है, बढ़िया काम करता है। बाकी देखो दोनों फोन में आप लोगों को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड की अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने दोनों फोन में गेमिंग भी ट्राई किया, दोनों फोन का गेमिंग टेस्ट आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन BGMI 60 FPS आराम से चला देते हैं, दौड़ा देते हैं, कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ Realme 12 Pro से मुझे हल्की सी दिक्कत लगी, जब फोन थोड़ा सा हीट कर जाता है तो ऐप जो है गेम जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाते हैं और हीटिंग का जो साइन है वो आ जाता है और गेम के अंदर जो आपके FPS है वो ड्रॉप होने लग जाते हैं। ये दिक्कत मुझे Realme 12 Pro Plus में देखने को मिली, जबकि Realme 13 Pro Plus में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग फीचर भी आप लोगों को भर भर के इन दोनों फोन में देखने को मिल जाते हैं। डे टू डे टास्क में दोनों फोन बढ़िया परफॉर्म करते हैं, ऐप ओपन ऐप क्लोजिंग स्पीड भी काफी अच्छी है, एनिमेशन वगैरह भी आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर अपडेट आने से दोनों फोन का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी सेम हो चुका है, सिमिलर दोनों फोन जो है अंदर से देखने में लगते हैं। और एक चीज दोनों फोन में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जो Realme का डायलर है वो देखने को नहीं मिला, गूगल डायलर है लेकिन उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हो Realme के डायलर से। मेरी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको मैंने रियल प्रैक्टिकल करके बताया कैसे आप लोग Realme डायलर को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन देखो परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन बिल्कुल सेम है। आगे दोनों फोन्स का मैंने स्पीड टेस्ट किया है, उसको एक बार जोर से चेक कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा स्पीड टेस्ट में दोनों फोन में से कौन सा फोन फास्ट है। अब ये रहे दोनों फोन और ये रही कुछ ऐप, जितनी भी ऐप्स हैं डेली यूज होने वाली ऐप्स हैं। लेफ्ट साइड में भाई Realme 13 Pro Plus है और राइट साइड में Realme 12 Pro Plus। अब एक एक करके दोनों फोन में ऐप्स को ओपन करते हैं और देखते हैं किसमें सबसे पहले ऑन होती है।
बट सबसे पहले यहाँ पर जो रिसेंट सेक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। रिसेंट में कोई भी जो ऐप है वो दोनों फोन में आपको देखने को नहीं मिलती, दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड भी हैं। अब लेट्स सी 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हुआ, अंततु 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हुआ, अब Amazon 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हुई, अब यहां पर Chrome 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हुआ, Facebook 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हुई, अब आपका जो फाइल मैनेजर है 1 2 3 Realme 12 Pro Plus में पहले ऑन हुआ, अब Play Store 1 2 3 Realme 12 Pro Plus में पहले ऑन हुआ, अब सेटिंग्स 1 2 3 दोनों फोन में सेम टाइम के ऊपर ओपन हुई, अब YouTube 1 2 3 Realme 13 Pro Plus में पहले ऑन हो गया, लोड भी भाई इसी फोन ने पहले कर लिया। अब यहाँ पर BGMI करते हैं 1 2 3 ऊपर रहा Realme 12 Pro Plus, नीचे रहा Realme 13 Pro Plus। अब देखते हैं किसमें सबसे पहले ऑन होती है गेम। तो भाई यहाँ पर गेम जो है वो Realme 13 Pro Plus के अंदर पहले ऑन हुई है। सो फाइनली ये था कंपैरिजन Realme 12 Pro Plus और Realme 13 Pro Plus इन दोनों फोन के बीच में। स्पीड टेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने आपको करके बता दिया। अब दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, देखो अगर आप लोगों को कैमरा अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए तो आप लोग दोनों फोन को बाय कर सकते हो। दोनों को कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले सब कुछ बढ़िया है, लेकिन AI के फीचर चाहिए तो आप लोगों को Realme 13 Pro Plus जो वही बाय करना पड़ेगा। AI की आपको जरूरत नहीं है तो आप लोग Realme 12 Pro Plus को अभी के टाइम पर बाय कर सकते हो और इसको बाय करने से आपके पैसे भी बच जाएंगे। बाकी इतना इस वीडियो में, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि सबका पैसा बच जाए।